गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी डी एस काजी, अमृतवाणी। मराठी सब्जेक्ट है ये, इंग्लिश मीडियम के लिए। बुक का नाम है अमृतवाणी। आज हम अमृतवाणी जो बुक है स्टैंडर्ड फोर्थ की, उसमें लेसन नंबर 9 जो है महात्मा फुले। महात्मा फुले इस लेसन के जो है क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पहला वाला दिया है रिकाम्या जागी पाठातील योग्य शब्द लिहा। हमको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, वहाँ पे सुटेबल वर्ड्स लिखना है। योग्य मतलब सुटेबल वर्ड्स जो है फील करना है। तो पहला जो ब्लैंक है, त्यांच्या आईचे नाव चिमनीबाई। पहला जो है क्या लिखना है आपको, चिमनीबाई। दूसरा है ते डैश होते, तो वहाँ पे लिखना है ते गोर गरिबांची सेवा करत होते। थर्ड है त्यांनी डैश बारकाईने निरीक्षण केले, तो उस डैश में हमको लिखना है समाजाचे बारकाईने निरीक्षण केले। फिर फोर्थ है डैश पहली शाळा शुरू केली, तो आंसर आएगा मुलींसाठी पुण्यात पहली शाळा सुरू केली। फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश ही पदवी बहाल केली, तो आंसर आएगा महात्मा। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, चुक की बरोबर ते लिहा, यानी ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो पहला है वयाच्या पाचव्या वर्षी ज्योतिबा शाळेत जाऊ लागले, ये है चुक यानी रॉन्ग है, फॉल्स है। करेक्ट है 17व्या वर्षी। फिर है ज्योतिबा धाकटा मुलगा होता, ये करेक्ट है, वो छोटे बेटे थे घर परिवार के। फिर है माणूस पैशाने मोठा होतो, ये भी चुक है, रॉन्ग है, विद्या से बड़ा होता है। ज्योतिबांना लोकमान्य ही पदवी देण्यात आली, महात्मा पदवी मिली थी उनको, लोकमान्य नहीं, तो ये भी कैसा है, चुक है। फिर है थर्ड एका वाक्यात उत्तर लिहा, महाराष्ट्राचे आद्य समाज सुधारक कौन होते, यानी महाराष्ट्र के समाज सुधारक, समाज सुधारक में सोशल वर्कर कौन थे, तो आंसर है महाराष्ट्राचे आद्य समाज सुधारक ज्योतिबा फुले आहे। राइट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछा है महात्मा फुले यांना काय वाटत असे, महात्मा फुले को क्या लगता था, है ना, व्हाट ही फील। आंसर है महात्मा फुले यांना वाटत होते की सर्वांनी लिहायला वाचायला शिकावे, शिक्षण घ्यावे, ज्ञान मिळवावे। महात्मा फुले जो है उनको ऐसा लगता था कि सभी ने लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना, शिक्षा लेनी चाहिए और ज्ञान इन्हें नॉलेज मिलाना चाहिए। तो सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्योतिबांनी कशाची स्थापना केली, ज्योतिबा ने किसकी स्थापना की। आंसर है ज्योतिबांनी सत्यशोधक समाज की स्थापना के लिए। समाज में थोड़ा सा आ की मात्रा रह गया माँ में, वहाँ आपको आ की मात्रा लगाना है, लिखते में मिस्टेक हो गई है। स ममे आ की मात्रा माज, समाज की स्थापना के लिए। फिर है हमारा स्त्रियांनी शिकावे म्हणून ज्योतिबांनी कोणते कार्य केले, यानी औरतों ने सीखना चाहिए इसके लिए ज्योतिबा ने कौन से कार्य किए। तो आंसर है त्यांनी आपली पत्नी सावित्रीबाई यांना शिकवलं व मुलींसाठी पुण्यात पहिली शाळा सुरू केली। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षा दी, फिर लड़कियों के लिए पूना में पहली जो है स्कूल खोली। ज्योतिबांचे केव्हा निधन झाले, मतलब उनकी जो
मृत्यु है डेथ, वो कब हुई? तो उसका आंसर है 28 नवंबर 1890 में निधन झाले, मतलब 28 नवंबर 1890 में उनकी डेथ हो गई है। ये सारे आंसर टेक्स्ट बुक में है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़क्यात उत्तरे लिया। थोड़े में हमको आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर्स। पाण्याचा हौद ज्योतिबांनी कोणासाठी खुला केला व का? पाण्याचा हौद मीन्स वॉटर टैंक उन्होंने किसके लिए खुला किया और क्यों? तो आंसर है गोर गरीबांसाठी पाण्याचा हौद खुला केला, और उसका रीज़न देना है कारण पाण्यासाठी बायका मुले हातात मडकी घेऊन वणवण हिंडत होते, यानी जो औरतें थी बच्चे थे जो मिट्टी का मटका होता है वो लेकर पानी के लिए वे जगह जगह वन में भटकते थे। ये उसका आंसर है गोर गरीबांसाठी पाण्याचा हौद खुला केला कारण पाण्यासाठी बायका मुले हातात मडकी घेऊन वणवण हिंडत होते। फिर है सेकेंड शॉर्ट आंसर्स में ही कि ज्योतिबा केव्हा व कुठे महात्मा पदवी बहाल करण्यात आली? ज्योतिबा को कब जो है महात्मा की पदवी प्राप्त हुई? तो 60व्या वर्षी मुंबईस महात्मा ही पदवी बहाल करण्यात आली। जब वो 60 ईयर के थे तब उनको मुंबई में पूरे सम्मान के साथ जो है महात्मा की पदवी दी गई। अब है ग्रंथ आणि ग्रंथकाराचे जोड्या जुड़वा, यानी राइटर्स के नेम लिखना है, बुक्स और के नेम दिए हैं, उसके कौन राइटर थे, किसने लिखा, ये आपको मैच करना है। रामायण के साथ आपको मैच करना है वाल्मीकि। दूसरा है दास बोध, उसके राइटर है रामदास। फिर तीसरा है भारूडे, उसके राइटर है एकनाथ। फिर है अभंग गाथा, उसके राइटर है तुकाराम। और महाभारत को व्यास से मैच करना है। और लास्ट वाला आपका है कि आपको सावित्री बाई फुले इसके ऊपर 10 लाइन ऐसे अपने ओन वर्ड में लिखना है। लिखा है मैंने यहाँ पे सावित्री बाई फुले चा नाव चा जन्म 3 जनवरी 1831, यानी 3 जनवरी 1831 में जो है रोजी सातारा जिल्ह्यात नायगाव येथे झाले। सेकंड पॉइंट लिखा है ती भारताची पहिली शिक्षिका होती। थर्ड पॉइंट लिखा है त्या एक कवित्री शिक्षिका व समाजसेविका होती। त्यांचा विवाह समाजसुधारक ज्योतिराव फुले यांच्याशी झाला। त्यांनी त्याचे आयुष्य शिक्षण प्रसार व समाज सुधारणाचे कामात व्यतीत केले। सावित्रीबाई के बारे में आपको 10 जो है 10 सेंटेंस लिखने हैं अपने ओन वर्ड में। तो यहाँ पे मैंने उनके जो बर्थ है वो लिखा है, कौन से गांव में हुआ वो लिखा है, और फिर लिखा है कि वो पहली शिक्षिका थी भारत की। फिर लिखा है कि वो पोएट भी थी, शिक्षिका भी थी, सोशल वर्कर भी थी। और उनकी जो शादी, उनकी मैरिज जो है ज्योतिबा फुले समाज सुधारक जो सोशल वर्कर्स थे उनके साथ हुआ था। और फिर उन्होंने जीवन भर जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन दिया और समाज सुधारक काम में अपना जीवन का योगदान दिया। ओके, थैंक यू।